अब चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव की गर्मी नजर आ रही है, चारों तरफ चुनाव के प्रचार चल रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा और समस्या ये आ रही है कि जातिवाद, कि लोग जातिवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। आपने बताया जातिवाद का मामला, तो जो कुछ चुनिंदा लोग हैं वो समाज को बांटना चाहते हैं, और हम जो कैंडिडेट है वो छत्तीस बरादरी के सभी समाज के सभी वर्ग के कैंडिडेट है, और जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, और जनता ने ही हमें चुना है कि भाई आप कैंडिडेट बनो और उनका कैंडिडेट बनो। दूसरा मुद्दा ये कि जैसे कि हम आपके ग्राम में रायपुर रोड पे आते हैं, रायपुर ग्राम में, तो सारा रोड टूटा हुआ है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, ग्रामीणों की समस्या आई है कि पिछले काफ़ी वर्षों से यहाँ किसी ने कोई विकास कार्य नहीं करवाया है। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे, क्या आप गांव की विकास की समस्या का समाधान करेंगे? हम कौशल विकास के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम समाज के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो रही बात रोड खराब है, नालियाँ भरी हुई है, या कोई भी अव्यवस्था है, उसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी हमारे होगा सरकार से हम मदद लेके और जो भी व्यवस्था है उसको ठीक करें। आपके प्रतिद्वंदी या कोई भी सामाजिक आदमी आपके बारे में कोई भी अफवाहें फैला रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का मैं कहना था, बस जनता जानती है, उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। आपने अभी गत कुछ दिनों पूर्व शिविर लगाए थे जिसमें रक्तदान शिविर थे, आंखों की जांच का शिविर था, उसमें आपके द्वारा आंखें भी बनवाई गई, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जनता को बताएंगे? ये सब जनता के लिए किया था, सब साथियों के लिए किया था, सभी को पता है। एक एक घर जाके मैंने सभी को इतला किया था कि भाई आंखों की शिविर है, आंखें बनवाई जाएंगी, चश्मी चश्मी दिलवाए जाएंगे, तो जो हमने जो अपने पर्चे थे इसके कैंप के वो सभी एक एक घर भेजे थे, और काफ़ी लोगों ने इसकी इससे सहायता मिली है, तो लोगों के लिए किया था।